हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव शर्मा, वी केयर वी शेयर में आज हम बात करेंगे कि खुशियाँ की टाइप्स क्या होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल रिसर्च मुझे यूट्यूब पे मिली थी और गूगल में, तो मैं चाह रहा था कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ और मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला इससे। बेसिकली ये बोला गया है कि खुशियाँ जो हैं वो तीन तरह की होती हैं। एक होता है प्लेजर, प्लेजर मतलब जैसे आपने एक फ़ोन ख़रीदा और आपको बहुत खुशी मिली, तो उसी टाइम इंस्टेंट मिली और वो ख़त्म हो गई, उसके बाद वो दोबारा नहीं मिलेगी, उतनी खुशी नहीं मिलेगी। और अगर आपको पता लगा जो आपने फ़ोन ख़रीदा है और अगले दिन कोई नया मॉडल आ गया, फिर तो वो खुशी एकदम नीचे आ गई। और जैसे आपने गाड़ी ख़रीदी, घर ख़रीदा, तो शादी की, इवन जितनी भी बड़ी चीज़ें जो होती हैं और उसके बाद वो खुशी नहीं देती हैं, तो वो प्लेजर की कैटेगरी में आएंगी। या इसको जो साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने बोला था रॉक स्टार हैप्पीनेस, कि जैसे आप एक कॉन्सर्ट में गए, आपने किसी का कोई बढ़िया गाना सुना, या आप किसी रॉक स्टार कॉन्सर्ट में ही चले गए एक्चुअली, या आप क्रिकेट मैच देखने गए, तो वो आपने मैच देखा, आपको बहुत मज़ा आया, लेकिन जैसे ही वो मैच ख़त्म हुआ खुशी ख़त्म। आप अब बात ही करते हैं कि एक साल पहले, 10 साल पहले मैंने ये काम किया था और वो ख़त्म हो गया। दूसरा जो है उसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो का मतलब है जैसे मान लीजिए आप कोई गाना सुनते हैं या आप पढ़ते हैं, या जैसे मैं डॉक्टर हूँ, मैं एक पेशेंट देखता हूँ, तो मैं उसकी बातों में इतना गुम हो गया कि मैं खो गया, मुझे पता नहीं लगा टाइम कहाँ चला गया। और कई बार ऐसा होता भी है कि आप बात करते रहते हैं या आप किसी दोस्त से मिलते हैं बहुत दिनों बाद, आपने घड़ी देखी, रात के 2 बज गए, जबकि आप तो सोच रहे थे कि हम 11 बजे सो जाएंगे, आपको पता ही लगा कब वो 2 बज गए। तो फ्लो जो है वो हायर लेवल ऑफ खुशी है। जो प्लेजर या रॉकस्टार हैप्पीनेस है वो तो छोटे लेवल की है, बट जो फ्लो है वो हायर लेवल ऑफ खुशी है। वो आप रेगुलर अपनी ज़िंदगी में क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई एक्सरसाइज करता है, वो जॉगिंग करता है रोज़, तो जब वो जॉगिंग करता है तो वो गुम हो जाता है उसमें, क्योंकि मैं खुद जॉगिंग करता हूँ तो मैं काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ इस चीज़ से। उसी तरह कोई डांस करता है वो गुम हो जाता है कि वो डांस करता है, कोई गाना गाता है वो उसमें गुम हो जाता है, या कोई पढ़ता भी है, जैसे मुझे मैथ्स अच्छा लगता था स्कूल टाइम में, तो मैथ्स करता है तो मैथ्स में गुम हो जाता है। इंग्लिश हिंदी में ऐसा नहीं होता था, बट मैथ्स में मुझसे ऐसा होता था। तो फ्लो का मतलब है हम उस चीज़ में गुम हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि लिविंग इन द मोमेंट बोलते हैं, लिविंग इन द मोमेंट मतलब उसी क्षण में ज़िंदगी जीना। तो जब उस क्षण में हम इतना गुम हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि टाइम भी है। जैसे अगर हमें पैसे की चिंता ना हो तभी हम अमीर हैं, उसी तरह जब हमें टाइम का पता ना लगे तो खुशी जो है बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको बोलते हैं फ्लो। तो ज़िंदगी में जिन भी चीज़ों में फ़्लो मिलता है वो आप बार बार क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप बार बार एक गाना रिवाइंड करके सुन सकते हैं, आप बार बार रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, और आप पे भगवान की कृपा, आपको अपने काम में ही फ़्लो मिलता है, फिर तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि वो फ़्लो आप रोज़ क्रिएट कर सकते हैं। कि लाइफ में अगर कुछ हो भी गया, जब आप वो काम करने गए आपको मज़ा आ गया, और वो फ़्लो आपको अपने डॉगी को घुमाने से भी मिल सकता है, वो कुछ और करने से भी मिल सकता है। सबके फ़्लो डिफरेंट हो सकते हैं, बट फ़्लो को आप रिक्रिएट कर सकते हैं और सस्ते में ही रिक्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है और ये हायर लेवल ऑफ खुशी है, क्योंकि इसको आप बार बार रिक्रिएट कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है उसको बोलेंगे पर्पस ऑफ लाइफ या मीनिंग ऑफ लाइफ। थोड़ा हैवी हो जाएगा। मीनिंग ऑफ लाइफ या पर्पस ऑफ लाइफ का मतलब है ज़िंदगी में जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन वो दूसरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, दूसरे लोग भी उसमें जुड़े हुए हैं। तो जब चीज़ें बड़ी होने लगती हैं और आप कुछ ऐसा करते हैं जो दूसरों की ज़िंदगी भी बेहतर करता है, तो उसमें आपको ज़िंदगी में और भी खुशी मिलती है, बिकॉज लोग भी आपकी तारीफ करेंगे, वो भी आपको अच्छा समझेंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में, आप किसी की ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड करते हैं, चाहे आप उसको कोई अच्छी राय दें या आपकी कोई नॉलेज अच्छी है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, लोग आते हैं आपसे बात करते हैं, तो वो जो मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन होगी उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कई बार समय का नहीं पता लगता, दैट इज़ फ्लो। और मीनिंगफुल या जो क्रिएट करना है, मीनिंग का क्रिएट करने का मतलब एक तरह से हो गया, जैसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि मान लीजिए एक रनिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। तो रनिंग में जब कोई मैराथन भागता है या हाफ मैराथन भागता है, तो वो 2-2.5 घंटे में कंप्लीट करता है। तो जब उसके हाथ में सर्टिफिकेट आएगा 2.5 घंटे में आपने कंप्लीट की, तो ये है प्लेजर, उसी टाइम मिला और ख़त्म हो गया, उसके बाद वो घंटा दोबारा नहीं आया। उसी तरह कोई स्टूडेंट है, उसको सर्टिफिकेट मिला कि भैया तुम्हें 100 में से 90 नंबर आए, तो उसको बहुत खुशी हुई। उसी तरह जैसे किसी को एग्जाम्पल है प्लेजर का, कि किसी ने कोई नई गाड़ी खरीदी, उसको प्लेजर मिला, ख़त्म हो गया, उसके बाद वो गाड़ी पुरानी हो गई 6 महीने साल के बाद, फिर वो नई गाड़ी पर लेगा तो उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी पहली वाली गाड़ी में मिली होगी। उसके बाद फ्लो के बाद आएगा, सॉरी ये एग्जांपल था प्लेजर का। फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो फ्लो है जैसे कोई रोज़ भागता है तो वो फ्लो में भागता है, तो वो है फ्लो, रिदम इसको बोलेंगे हम। अगर फ्लो में, अगर जैसे कोई पढ़ता है और वो पढ़ने में गुम हो जाता है 1-2 घंटे के लिए और उसको बहुत मज़ा आता है, तो उसको बोलेंगे फ्लो। या जैसे अक्सर होता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, जब अफेयर होता है तो लोग बात करते हैं 1-1.5 घंटा 2-2 घंटे बात करते हैं, तसल्ली नहीं होती, फिर भी बहुत मज़ा आता है। या दोस्त होते हैं, घर से बाहर जाते हैं यंग एज में, 1 घंटा खड़े हैं, मम्मी बोल रही वापस आ जा, बट वो बात ही करे जा रहे हैं, उनकी बातें ख़त्म नहीं हो रही, तो उसको बोलेंगे हम फ्लो। बट मीनिंग क्या होगा, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरा एक सपना था, तो ये
एक मीनिंगफुल चीज़ थी। इसके लिए अगर मेरी ज़िंदगी में प्लेजर नहीं है, मुझे पढ़ने में मज़ा नहीं भी आ रहा उस समय, या फ्लो भी नहीं है, तब भी मैं पढ़ूंगा। जैसे कोई स्टूडेंट है वो तब भी पढ़ेगा पास होने के लिए, अगर उसको फ्लो नहीं भी फील हो रहा या प्लेजर भी उसको उस इंस्टेंट खुशी नहीं मिल रही है, फिर भी वो पढ़ेगा, उसको रिदम में भी नहीं, क्योंकि उसका जो मीनिंग है वो बहुत बड़ा है। तो कई बार जो मीनिंग भी, अगर कोई मीनिंग बहुत अच्छा है और वो फ्लो भी क्रिएट कर सकता है और प्लेजर भी, तो बहुत ही बढ़िया लाइफ है। जैसे आप ऐसा काम करते हैं कि आप, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अगर मुझे पेशेंट देखने में बहुत अच्छा लगता है, मैं फ्लो में चला जाता हूँ और वो मेरी तारीफ़ करता है, तो मुझे उस टाइम प्लेजर मिलता है। तो ये तो बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी कि आप वही काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, उसी में आप फ्लो में चले जाते हैं, उसी में आप प्लेजर्स ढूंढते हैं। लेकिन अगर मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदा और मैं उसका प्लेजर ढूंढता हूँ और अगले दिन ही नया मॉडल आ गया, तो मेरा सारा प्लेजर गया। या मेरे पड़ोसी ने मुझसे महंगा फ़ोन ले लिया, या मेरे रिश्तेदार ने कुछ और ले लिया, तो मेरा प्लेजर गया। या अगर मैंने बढ़िया गाड़ी भी ली और 2 दिन बाद मुझे पता लगा मेरे दोस्त ने उससे बढ़िया मॉडल ले लिया, तो मेरा प्लेजर गया। तो जो कंपैरेटिव चीज़ें हैं, जो इंस्टेंट वाली हैं, ये बहुत लास्टिंग खुशियाँ नहीं देती हैं। लेकिन जो फ्लो वाली हैं वो आपके हाथ में, उसके लिए आपको दूसरों पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बात करने में बड़ा मज़ा आता है, हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, दो दोस्त हैं बड़े दिनों बाद मिलते हैं, या हफ्ते बाद भी मिलते हैं, या दो दोस्त हैं जो रोज़ सुबह एक्सरसाइज के लिए मिलते हैं, या शाम को किसी बात करते हैं, तो ऑफिस के बाद आधा घंटा गप्पे मारते हैं, तो वो भी एक अच्छा फ्लो है, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट मीनिंग जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ज़्यादातर लोग 90% ये देखा गया है कि खुश नहीं रह पाते। उसका मेन कारण ये है, उनकी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं होता। मीनिंग वही होता है जो हमें सिखाया जाता है, बड़े हो, नौकरी करो, घर को संभालो, बच्चे पैदा करो, ख़त्म। उसके बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम बड़ी कर रहे हैं। बट अगर हम कोई मीनिंगफुल एक्टिविटी ज्वाइन करते हैं, या कोई मीनिंगफुल ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद है, जैसे मुझे साइकियाट्री पसंद थी तो मैं साइकियाट्रिस्ट बना, बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या कहेंगे, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब आप अपने पैशन के साथ ज़िंदगी जीते हैं, वो करते हैं जो आप करना चाहते थे, तो उसमें मीनिंग ज़्यादा आ जाता है। जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है, बिकॉज दे आर वेरी मीनिंगफुल, क्योंकि इसके लिए मुझे रिसर्च करनी पड़ती है, मुझे काफ़ी कुछ खुद समझना पड़ता है, तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं जो मैंने कभी नहीं पढ़ी और मैं कभी ना पढ़ता अगर मेरा ये मीनिंग इतना हाई ना होता। तो दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ प्लेजर है खुशी है प्लेजर, उससे हायर लेवल है फ्लो, बट सबसे हाईएस्ट लेवल आपको ज़िंदगी में तभी मिलेगा जब आपकी ज़िंदगी में मीनिंगफुल लाइफ होगी। इसको लोगोथेरेपी भी बोलते हैं, विक्टर फ्रैंकलिन करके एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट रहे हैं, जिनको जर्मनी में नाजी कैंप में पकड़ लिया गया था। तो एक बार उनको एक चैम्बर में बंद कर दिया गया बिना कपड़ों के, तो उन्होंने पहली बार रियलाइज़ किया कि मैं जो हूँ बिना कपड़ों के भी खुद को कमांड कर सकता हूँ, एटलीस्ट मैं सोच सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो ज़िंदगी में सबसे बड़ा है, क्योंकि वो इमेजिन करते थे उस स्थिति में भी कि एक दिन आएगा जब मैं बाहर जाऊंगा इस नाजी कैंप से और मैं टीचर बनूंगा और मैं लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊंगा, जो उन्होंने किया भी, उनकी बुक भी आती है और वो बहुत रिस्पेक्टेड साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजी के टीचर भी हैं। तो इसलिए क्यों वो ज़िंदा रहे, बाकी लोग क्यों चले गए, इसका मैं एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। वर्ल्ड वॉर टू में कई बार क्या होता था, जो यंग कैडेट्स होते थे वो लोग मर जाते थे और जो 30 से 40 साल वाले लोग होते थे वो ज़िंदा रहते थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर में क्या होता है किसी को भी ले लिया जाता है जो लड़ाई के लिए फिजिकली रेडी हो। तो 30-40 साल वाले लोग जिंदा क्यों रहते थे और 19-20 साल वाले क्यों मर जाते थे, बिकॉज 30-40 साल वाले लोगों के पास जिम्मेवारियाँ ज़्यादा हैं, वो शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, तो उनके लिए मीनिंग जीने का ज़्यादा है। इसीलिए इवन सुसाइड रेट्स भी जो मैरिड लोग होते हैं उनमें कम होते हैं कंपेयर टू, जो फीमेल्स होती हैं जिनके बच्चे होते हैं उनमें सुसाइड रेट काफ़ी कम होता है कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। इसलिए लाइफ में मीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी लाइफ में मीनिंग नहीं है तो आपको वो खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए कई बार 30-40 साल की उम्र में जब लोग बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं फिर भी वो खुश नहीं हो पाते, क्योंकि वो उन्होंने वो सब कुछ अचीव कर लिया जो लोग कहते थे कि गाड़ी, घर, ये वो, बट फिर भी वो खुशी नहीं है, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में वो मीनिंगफुल एक्टिविटी नहीं है। इसलिए हमें बहुत खुश रहने के लिए एक हाई पर्पस मीनिंग होना चाहिए और हमें फ्लो में रहना चाहिए, प्लेजर पे इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। जबकि जो इंस्टेंट चीज़ें हैं, आइसक्रीम खाना, मूवी देखने जाना, दीज आर ऑल प्लेजर्स, बट इसके साथ फ्लो और मीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।